मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से आपको मेरा प्यारा नमस्कार। हमारा परमेश्वर कितना चमत्कार अद्भुत काम करता, उनको सृष्टि को देखिए, सुंदर ढंग से सृष्टि किया। ऐसे परमेश्वर हमसे बात किया, हाथ पकड़ के अद्भुत रीति से अगुवाई करता है। आज परमेश्वर की जो वचन प्रतिज्ञा आपके लिए दिया है, परमेश्वर के वचन को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यशायाह 62 अध्याय का 3 वचन में, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की अतेली में राज मुकुट ठहरेगी। और मुकुट और राज मुकुट है, आप कहाँ रहते मालूम है? परमेश्वर की हाथ में है, एक सामर्थ हाथ में, घायल हाथ में परमेश्वर आपको जो है रखा है। वो देखिए, राज मुकुट और मुकुट के रूप में प्रभु आपको रखा है। किसी को राजगति में बैठाने के बाद एक मुकुट दो तैयारी करते, बहुत विशेष करके उसको तैयारी करते हैं, सोना से बनाते हैं और डायमंड से उसको और सजाते हैं। उसको उसके सिर पर रखने से ही बहुत ही जो शोभायमान दिखता है। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों में रखा है, क्या जूतियां जैसे प्रभु आपको नीचे रखा है? नहीं, ऊंचे स्थान में। क्या परमेश्वर आपको जो कमरबंद में बांधते हैं ऐसे परमेश्वर रखा है? नहीं, मुकुट के रूप में मैं रखा हूं, राज मुकुट के रूप में रखा हूं। मुकुट के द्वारा ही राजा जैसे दिखता है, वैसे ऊंचे स्थानों में मैं तुम्हें रख के आदर करने के लिए प्रभु कहता है। परमेश्वर से कहना, प्रभु मैं घायल हाथों में अर्पण करता हूं, अपने आप को परमेश्वर की हाथों में अर्पण करना है। यदि आप अपने आप को आज अर्पण करेंगे तो परमेश्वर आपको मुकुट के रूप में, राज मुकुट के रूप में रखेगा। प्रभु आपको ऊंचे स्थान में आपको रखेगा। अपने आप के प्रति ये नहीं सोचना, हीन भावना नहीं रखना, मैं बहुत गरीब, मैं छोटे परिवार का हूं, नहीं सोचना। यदि अपने आप को प्रभु से अर्पण करेंगे तो परमेश्वर जो है आपको ऊंचे स्थान में प्रभु रखेगा। हे खुदा, आपके हाथ में अपने आप को मैं अर्पण करता हूं, तू मुझे मुकुट, राज मुकुट के रूप में ऊंचे स्थान में तू रखने वाला है। मैं स्तुति करता हूं प्रभु, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, आमेन आमेन।